हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन टीवी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लस्टर हेडेक और उसकी प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स, यूएस गाइडलाइंस, टाइस गाइडलाइंस की जो ट्रीटमेंट है, तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें क्या यूज़ होता है, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट्स क्या है, जिसको हम RX भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ उसकी क्लस्टर हेड की अल्टरनेटिव ड्रग्स का है क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ड्रग यूज़ करते हैं उसके साथ कोई आपको इफेक्ट नहीं आए, तो कुछ दिनों बाद आप उसको चेंज करके दूसरे अल्टरनेटिव पे आप जाते हैं। तो विद एनी जो टाइम वेस्टेज के हम टाइम वेस्टेज नहीं करते, तो डायरेक्टली आप स्टार्ट करते हैं क्लस्टर हेड कि उसमें क्या होता है। तो वेरी सीवियर यूरिनेटरल नॉन थ्रॉमिक हेडेक होती है। उसमें क्लस्टर हेडेक इस मीन के आपकी सारी इर्द गिर्द जो ब्रेन एरिया है उसमें सारे में सारे सीवियर दर्द होता है। उसके साथ आपको नॉजिया एंड वोमिटिंग होती है। उसकी ड्यूरेशन अप टू 30 मिनट्स से लेके 3 आवर्स तक नॉर्मल अमाउंट ये होती है फॉर क्लस्टर हेडेक। आपकी सारी ब्रेन में एक शोर सा होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है सीवियरिटी उसमें। एंड दिस इज द पीरियोडिकल जो रिकरेंट होती है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होती है। ओवर टाइम के साथ साथ जब भी टाइम आपकी गुजरती है, तो उसमें क्लस्टर हेडेक या आपके सर की दर्द का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उसके साथ साथ टाइम के साथ। अदर सिम्टम्स ये हो सकती है कि ऑर्नर कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, पिटोसिस, मियोसिस एंड हार्डनेस, लैग्रिमेशन एंड कंजेशंस, लाइक आपके ब्रेन स्क्वीजी करते हैं। जब आपको फॉर एग्जाम्पल आप सीजी पे जाते हैं, तो आपकी हेडेक बहुत ज़्यादा दर्द करती है। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपकी जुकाम जो है वो सर पे जम गई है, तो उससे आपकी क्लस्टर हेडेक नॉर्मली हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाते हैं जो कि सीवियर दर्द के लिए यूज़ होता है। तो हम फर्स्टली, अगर आपकी ब्रेन एरिया को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो उसकी वजह से भी सर दर्द होती है और सीवियर होती है। तो उसके लिए हम 100% ऑफ ऑक्सीजन बाय माउथ या नोज के थ्रू हम लेते हैं 10 to 15 liter पर फॉर 15 to 20 minutes। तो हम उसको नेबुलाइजेशन के थ्रू उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, या नॉर्मली जो आपकी ऑक्सीजन मास्क प्रेजेंट होती है तो उस पर हम रखते हैं। तो यही परसेंटेज है कि 15 to 20 and 100% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं माउथ और नोज के थ्रू। अच्छा, सेकंड लाइन यहाँ ये है कि हम टैबलेट देते हैं कैलाल एसआर 240 मिलीग्राम, जो 240 मिलीग्राम अवेलेबल इन मार्केट, जिसके फार्मूला अगर आप देते हैं या जेनेरिक उसकी वेरापेमिल होती है, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो मे भी दे हैव प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपकी कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक हो सकती है। तो उसके लिए आप ये 2 कैप्सूल्स लेंगे एट नाइट टाइम, 2 कैप्सूल लेंगे नॉर्मल अबाउट, आप ODI लेंगे, लेकिन इट्स मीन के ODI में रात को सिर्फ लेंगे 2 टैबलेट्स कैलान SR 240 मिलीग्राम। अच्छा, उसके बाद एसिलोफेरिक 100 मिलीग्राम वाले थे, क्योंकि एसिडिक मार्केट में अवेलेबल है, तो 2 1+1 BD अगर आप यूज भी कर सकते हैं ये, तो उससे भी क्लस्टर हेडेक प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकते हैं। नॉर्मली उसके बाद कैप्सूल ओमोप्राजोल, लाइक क्योंकि ये दोनों के साथ अगर आप ओमोप्राजोल नहीं यूज़ कर सकते, तो मे बी हैव वर्सन द सिम्टम ऑफ योर जो है वो स्टमक के सिम्टम्स को या उसके जो कंडीशन है उसको ख़राब करती है, तो उसके लिए हम कैप्सूल ओमोप्राजोल पे जाते। तो दिस ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक। अगर आप सब पेशेंट्स जो कि वो ये ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है कि एसिटामिनोफेन भी साथ बाय साथ देंगे, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल हेडेक या क्लस्टर जो भी हेडेक है, तो उसके लिए दर्द के लिए आप एसिटामिनोफेन यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पैरास्टामोल प्लस ट्रामाल प्लस डेल्सा, जैसे कि ट्रामाल प्लस भी आता है, फॉर एग्जाम्पल सीवियर दर्द है तो उसके लिए ये चीज़ आप मुझे यहाँ पे वो भी पैराडोल भी ऐड करनी थी, लेकिन वो ऐड नहीं हुई, तो आप यहाँ पे पैराडोल भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनसे ऐड अगर इस पे ट्रीटमेंट की प्रॉपर अल्टरनेटिव आप उसके देते हैं, तो निप्रोक्सिन सोडियम जो सनफ्लैक्स 550 मिलीग्राम आती है, न्यूप्रॉक्स 250, ये नॉर्मल
या केफलाप डाइक्लोपी आती है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी है कि एरगेटर अल्कलाइड्स है, एरगेटामिन डिहाइड्रो एरगेटामिन या सुमाट्रेप्टेल जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, एकदम क्लस्टर माइग्रेन हाइड्रो के लिए यूज़ करते हैं, आईवी में भी जा सकते हैं, एंटीबायोटिक में भी मेटोक्लोप्रोमाइड, तो प्रोबायोलॉजिकली ये मुख्तलिफ चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इन द क्लस्टर हेडेक्स। तो आप डिपेंड करते हैं कि आपकी कौन सी सिम्टम्स अराइज हुई है, तो अगर आप उस सिम्टम्स के बेस पे जाएंगे और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं और भी है ट्रीटमेंट्स रिलेटेड टू द ब्रेन, तो हेडेक रिलेटेड है तो वो भी आप वीडियो देख लें। ओके, थैंक यू।